हेलो दोस्तों, लौकी चना दाल तो आपने बहुत खाई होगी, पर कम मेहनत कम टाइम में कभी इस तरीके से आपने चना दाल बनाई है? नहीं बनाई है तो इस रेसिपी को लास्ट तक देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुशमिजाज ज़िंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। लौकी चना दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लौकी चना दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चना दाल लिया है। चना दाल को मैंने आधा घंटे पहले भिगोने रख दिया था, तो ठंडे पानी में ही इसे भिगोना है। आप यहाँ पे देख लोगे चना काफ़ी अच्छे से फुल के तैयार हो गया है। साथ ही मैंने आधा के जी लौकी ली है, लौकी को मैंने कट करके तैयार कर लिया है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। चाहे तो आप 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चना दाल बनाने के लिए कुकर ले लिया है, कुकर में डाल लेती हूँ चना दाल। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है जब हम चना दाल भिगोने डालते हैं उसी टाइम उसे अच्छे से वॉश करके ही भिगोना है, ताकि बाद में हम उसका पानी यूज़ कर सकें। साथ ही इसमें लौकी भी ऐड कर लेती हूँ, और लौकी के साथ साथ इसमें टमाटर भी ऐड कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं एक कुकर में ही बनाऊँगी। इसे जो हमारी लौकी चना दाल होती है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छे से बॉयल्ड होकर तैयार हो जाती है। अब इसमें डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच नमक, साथ ही डाल लेती हूँ 1 पिंच या 1/4 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच डाल लेती हूँ यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे 3 से 3.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे लौकी चना दाल ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे पानी की मात्रा भी ज़्यादा रखें। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब प्रेशर कुकर पर ढक्कन लगा लेती हूँ, और ढक्कन लगाने के बाद इसे मीडियम आँच पर कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक पकने के लिए रख देती हूँ। तो 4 से 5 सीटी आने के बाद कुकर ठंडा हो गया है, एक बार ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लौकी चना दाल काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो गया है, और बिल्कुल भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल गल गया है। चलो फिर एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं चना को चेक कर लेती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चना पक के तैयार हो गया है, और लौकी को भी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे लौकी और चना काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो गया है। आप सारी चीज़ों को एक बार कड़छी से अच्छे से मैश कर लेती हूँ ताकि दाल गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी है, अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है। अब इसमें डाल लेती हूँ 1 से 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हैं, या साथ ही घी भी ले सकते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही ले रही हूँ 1/4 चम्मच जखिया या राई, 2 से 3 कटी हुई लहसुन की कलियाँ। इसके साथ ही आप यहाँ पे खड़े मसाले भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इन्हें चटकने देती हूँ, और अब इसमें डाल लेती हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, और मिर्च के साथ साथ डाल लेती हूँ 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही मैं प्याज को भूनूंगी। प्याज को एक बार ऑयल के साथ अच्छे से चला लेती हूँ, और अब इसे 1 मिनट तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दूंगी। तो यहाँ पे हमारी प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाले बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से भून के तैयार कर ली हूँ। मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है, तो लो फ्लेम पे ही यहाँ पे मैं मसालों को भून के तैयार करूंगी। 1 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूंगी, ताकि मसाले और अच्छे से पक के तैयार हो जाएं और मसाले जले ना। अब इसे लो फ्लेम पर ही 2 मिनट तक पकने दूंगी। तो यहाँ पे देख लोगे मसालों ने ऑयल छोड़ लिया है, मसाले अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो एक बार इसे चला लेती हूँ, और मसालों को अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें दाल को ऐड कर लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दाल डालने के बाद मैंने इसे एक बारी मसालों के साथ अच्छे से चला लिया है, और गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। अगर आपको लगता है कि दाल गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में नमक ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है हमने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। इसके साथ ही आप यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला भी रख सकते हैं। तो 2 मिनट पकने के बाद अब गैस को कर लेती हूँ ऑफ। गैस ऑफ करने के बाद फटाफट से गर्मा गर्म लौकी चना दाल को सर्व कर लेती हूँ। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान और कमाल की रेसिपी। तो आप भी बनाएं इस तरीके से लौकी चना दाल, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर सर्व करें। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे रोटी चावल
पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लास्ट में हरे धनिये से गार्निश कर रही हूँ और ये हमारी परफेक्ट लौकी चना दाल बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैंने इसे चावल के साथ सर्व करा है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।